Good morning, students. Today we will continue exercise 6.2. And your sixth question is simplify the following. Okay, solve करना है आपको. First question is -7x^4 + 15x^3 + 4x^2 + 2x + 5x^4 - 12x^3 - 2x^2 + 3. ओके, जो भी यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें एक साथ सॉल्व करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म इज -7x^4. तो आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन में देखना है जहां भी x^4 है वो इसके साथ सॉल्व होगा. ओके, हियर x^4. ओके, तो हम दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ राइट कर देंगे. -7x^4 + 5x^4. इसी तरह से हम अदर टर्म्स को भी उनकी लाइक टर्म्स के साथ राइट करेंगे. +15x^3 - 12x^3. ओके, देन 4x^2 - 2x^2 + 2x - 2x + 3. यहाँ पे 3 के साथ कोई और ऐसी टर्म नहीं है जो इसकी लाइक टर्म्स हो. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. यहाँ पे इन दो टर्म्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, -7 and +5. तो आपने नॉर्मली देखना है -7 हो and +5 हो, वहां से क्या लेफ्ट होगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस. ओके, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करना है, आंसर इज इक्वल टू, एंड साइन किसका आता है जिसके भी ग्रेटर है या नेगेटिव ग्रेटर है, तो आंसर विल बी -2. ओके, -2x^4. हियर 15 and -12, यहां से क्या लेफ्ट हुआ, +3, प्लस के ग्रेटर है तो +3x^3. हियर +4 and -2, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, +2x^2. यहां +2x - 2x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो गए, एंड +3. ओके, 3 के साथ कोई और लाइक टर्म नहीं है तो इसे एज इट इज टाइप कर देंगे. ओके, तो जो भी हमारा आंसर है उसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सो इट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज m² - 2m + 6m³ + 8 - 10m - m² + 4m³. ओके, सबसे पहले यहाँ है m² बट यहाँ पे m क्यूब वाले टर्म्स भी हैं, तो पहले हम क्यूब वाले टर्म्स जो भी हाईएस्ट पावर है उनको हम पहले राइट करते हैं, 6m³ + 4m³. ओके, ये हमने राइट कर दिया, देन m² - m² देन -2m - 10m एंड देन +8. आप यहाँ पे लाइक टर्म्स राइट करने के बाद टोटल टर्म्स को काउंट करेंगे, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन टर्म्स हैं, तो जब आपने लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया है एक साथ उसके बाद भी आप इन टर्म्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिकॉज कई बार क्या होता है कोई टर्म रह जाती है. ओके, अब हम इन्हें एक साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ बहुत दोनों ही पॉजिटिव है, 6 and 4, सो 10m³ + m² - m² कैंसिल हो जाएंगे, देन -2 and -10, सो हियर -12m, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का, एंड लास्ट में +8. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7x² - 8x - 3 टू ऑब्टेन 9x² - 4x - 11. इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया जाए कि हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो. ओके, तो हमने सपोज कर लिया लेट y मस्ट बी एडेड, कि इस एक्सप्रेशन में हमने y को ऐड कर दिया तो हमारा इक्वल में आ गया ये एक्सप्रेशन. ओके, सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन राइट किया 7x² - 8x - 3 और उसमें ऐड कर दिया y, इज इक्वल टू करके आपका एक्सप्रेशन आया 9x² - 4x - 11. अब हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y हमने ये रखा और इस एक्सप्रेशन को हम राइट साइड में ले गए. ओके, जब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट राइट साइड में जाएगा देन माइनस का हो जाएगा. ओके, तो y
ये एक्सप्रेशन राइट किया एज इट इज, देन माइनस ब्रैकेट और कंप्लीट ये एक्सप्रेशन राइट कर दिया। ओके, 7x² - 8x - 3। हमने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई है? बिकॉज हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस साइन ओनली 7 के साथ काउंट होता, बट के नेगेटिव साइन कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ है। ओके, अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे आप एलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स जितनी भी होती हैं सबके साइन चेंज कर देते हैं, तो ऐसे ही आपने यहाँ करना है। y = 9x² - 4x - 11 - 7x², अब आप ब्रैकेट हटा देंगे, देन +8x + 3। ओके, जो भी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। और अब आप जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ राइट कीजिए। y = 9x² - 7x² - 4x - 11 + 3। ओके, यहाँ से क्या आंसर लेफ्ट हुआ? 2x², यहाँ से 4x पॉजिटिव एंड हियर -8, सो इट इज योर आंसर। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x² - 4xy + y² टू गेट 5x² - 7xy - 3y² इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो। ओके, तो यहां आपके एक्सप्रेशन में x एंड y दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हमने सपोज कर लिया लेट z बी सब्ट्रैक्टेड, x और y के अलावा आप कुछ भी वेरिएबल को सपोज कर सकते हैं। लेट z बी सब्ट्रैक्टेड इट मींस इसमें से z को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन राइट किया 8x² - 4xy + y², इसे हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। ओके, कंप्लीट एक्सप्रेशन में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया? z। ओके, माइनस z, इट मींस इस एक्सप्रेशन में से z को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिला? दिस वन। ओके, तो हमने इक्वल में ये राइट कर दिया। अब यहां से हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ z नेगेटिव है तो सबसे पहले इसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ओके, तो z हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो गया और ये एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर दिया 8x² - 4xy + y², देन माइनस ये एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट 5x² - 7xy - 3y² देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, इक्वल z, z को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया था, पॉजिटिव हो गया। ओके, ब्रैकेट हमने किस लिए लगाई है? बिकॉज कंप्लीट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये माइनस साइन ओनली इसके साथ रह जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट 8x² - 4xy + y², जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस साइन होता है अंदर की साइन चेंज हो जाते हैं, इट विल बिकम नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू z। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ राइट करेंगे 8x² - 5x² - 4xy + 7xy + y² + 3y² = z। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहां से क्या आंसर लेफ्ट हुआ? 3x² + 3xy + 4y² = z। और हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? z को हम लेफ्ट साइड में हम राइट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे।